चलो चतुर्थ सूत्र का विचार संपन्न हुआ। और जो है पंचम सूत्र है, इच्छति अधिकरण बोलते हैं, है ना। इस अधिकरण का नाम क्या है? इच्छति अधिकरण, इच्छति। क्योंकि सूत्र आएगा इच्छतिर ना शब्द में सूत्र आएगा, है ना। तो इससे पहले तत्व समन्वयात संपूर्ण वेदांत वाक्य का समन्वय एक ब्रह्म में कहा, और वही ब्रह्म जगत का कारण है, जन्मादिस्य यतः ये कहा। तो इसके ऊपर आक्षेप किया आपने, जो कहा कि ब्रह्म जगत का कारण है, तो ब्रह्म ही जगत का कारण है ये तो निश्चय नहीं हुआ ना। ब्रह्म हो सकता है और कोई भी हो सकता है जगत का कारण, तो ब्रह्म ही जगत का कारण है ऐसा तो निश्चय नहीं हुआ। तो कौन हो सकता है भी? सांख्य बोलेगा कि जो है प्रधान हो सकता है, प्रकृति त्रिगुणात्मक का जो प्रकृति है वो जगत का कारण है। अब ब्रह्म नहीं हो सकता है ये उनको कहना है ना। भाई तुम्हारे ब्रह्म के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो अद्वितीय ब्रह्म है, एक अद्वितीय ब्रह्म है, समझ में ना। तो उसमें ज्ञान कहाँ से होगा? जो सर्वज्ञ हो, जो सर्वशक्तिमान हो, वही तो जगत को बनाएगा। तुम्हारे ब्रह्म के पास तो कुछ है ही नहीं, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? बोलते तुम्हारे प्रधान में जो प्रकृति है, तुम्हारे प्रकृति में कैसे ज्ञान आएगा? 200 सत्य गुण है। भगवान गीता में भी कहा कि सत्वा संजायते ज्ञानम, जिसमें कोई सत्य गुण हो तब ना ज्ञान होगा। तुम्हारे ब्रह्म में कौन सा गुण है बताओ? तुम्हारे ब्रह्म तो निर्गुण बोलते हो, साक्षी चेता केवलो निर्गुणाश्च है कि नहीं? इसलिए जो ज्ञान कैसे होगा ब्रह्म में, है कि नहीं? हाँ, यहाँ तक कौन सा है? 189 आप लोगों के पुस्तक में था, है ना। सत्यस्य, हाँ जी, नहीं उसको ये इसको भाष्य पहले कर लेना है, सूत्र से पहले तक भामती कर ले, ये भाष्य कर लेना है, उसके बाद भामती है। तो देखो, सत्वस्य ही निरतिशय उत्कर्षे सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम्, ये भाष्य में है कि नहीं? कहाँ आगे चलेगा ये? न केवलस्य अकार्य कारणस्य पुरुष उपलब्धि मात्रस्य सर्वज्ञत्वं किंचित ज्ञत्वं वा कल्पयितुं शक्यम्, यही चल रहा था, सही है ना। हाँ यही है, न केवलस्य, दूसरी पंक्ति आप लोगों की पुस्तक में है ना। केवलस्य अकार्य कारणस्य पुरुषस्य, तुम्हारे जो ब्रह्म है पुरुष भाई, वो कार्य नहीं है, वो कारण नहीं है, हा? वो उपलब्धि मात्र से, वो तो चित्त मात्र है, ज्ञान मात्र है, प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म बोल रहे हो। तुम्हारा ब्रह्म कैसा है? चित्त स्वरूप ना है, चित्त स्वरूप है वो, निर्विशेष है वो चित्त। इसलिए सर्वज्ञत्वम ना उस ब्रह्म को सर्वज्ञ कहोगे, ना उस ब्रह्म को अल्पज्ञ कहोगे, बताओ। सर्वज्ञत्वम किंचित ज्ञत्वम वा कल्पयितुं शक्यम न शक्यम, तुम्हारा ब्रह्म ना सर्वज्ञ होगा ना अल्पज्ञ होगा। वो तो ज्ञान स्वरूप है ना, वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान वाला नहीं है, वो उसका स्वरूप ज्ञान है। तो स्वरूप ज्ञान है तो फिर ज्ञान उसका गुण कैसे होगा, धर्म कैसे होगा, समझ में कि नहीं? ठीक है, धन वाले में धन रहेगा कि धन में धन रहेगा? धन वाला धन स्वरूप तो होगा नहीं, धन उसका धर्म भले ही हो, समझ में कि नहीं? धन धन वाले में रहता है, धन धन में तो नहीं रहेगा।
इसी प्रकार तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान वाला है कि ज्ञान स्वरूप है? वो तो ज्ञान स्वरूप है, उसमें ज्ञान कैसे उसका धर्म होगा? बात समझ भाई? हाँ, इसलिए त्रिगुणत्वात् तो प्रधानस्य, और हमारा जो प्रधान है प्रकृति वो तो त्रिगुणात्मक ना है। हाँ? माया तो ये माया बोलते हैं, प्रकृति तो त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजतम है कि नहीं? सर्वज्ञान कारणभूतम है, तो उसमें सत्यगुण है ना? है, है? ये सत्यगुण क्या होगा? सर्वज्ञान कारणभूतम, अरे सभी ज्ञान का कारण कौन है? सत्यगुण है वो, सत्य मतलब सत्यगुण है कि नहीं? इसलिए प्रधान अवस्था में अभी विद्यते, प्रधान अवस्था क्या है? साम्य अवस्था क्या है? हाँ, जगत की उत्पत्ति होने से पहले जो साम्य अवस्था है ना, उसको कहते हैं प्रधान अवस्था। समझ में कि नहीं? तो प्रधान अवस्था साम्य अवस्था में भी तो गुण तो रहेगा ना, सत्य गुण तो रहेगा, किसमें? प्रकृति में, प्रधान में। इति इसलिए जो है प्रधानस्य अचेतनस्य एव सतः, प्रधान क्या है? अचेतन है, अचेतन होने पर भी अचेतनस्य एव सतः सर्वज्ञत्वम् उपचरयते, फिर भी उसको हम सर्वज्ञ कह सकते हैं। क्या? किसको? अचेतन प्रकृति को भी सर्वज्ञत्व उसमें कह सकते हैं, गौण रूप से कह सकते हैं। किस रूप से? गौण रूप से कह सकते हैं। वेदांत वाक्येषु अवश्यम, है ना? तुम्हारे वेदांत जो वाक्य है अवश्यम त्वयापि सर्वज्ञम ब्रह्म, तुम ब्रह्म को क्या मानते हो? तुम्हारा ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है, तुम्हारा ब्रह्म जब ज्ञान स्वरूप है तो सर्वज्ञ कैसे होगा बताओ? उसका स्वरूप है क्या? सर्वज्ञता उसका स्वरूप है क्या? नहीं ना। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप। उसमें जो सर्वज्ञत्व है वो तो गौण प्रयोग कहा जाएगा ना, गौण कहा जाएगा, वास्तविक उसका धर्म तो नहीं है। आ गया कि नहीं? आ गया, आ गया। इसी बगैर हमारा जो प्रकृति है वो सर्वज्ञ न होने पर भी ज्ञान उसमें उत्पन्न होता है कि नहीं? इसलिए सर्वज्ञता गौण है, गौण प्रयोग है। कहाँ पर? प्रधान में। जैसे तुम्हारे ब्रह्म में सर्वज्ञता गौण है, उसी प्रकार हमारी प्रकृति में भी क्या है? सर्वज्ञता गुण कह लो, तो क्या आपत्ति सत्य गुण को लेकर के? समझ में आ गया? आ गया। अवश्यम च त्वयापि, सांख्य बोल रहा है भाई, कपिल के अनुजाई सांख्य मत, वो कहते हैं त्वयापि, त्वया मतलब वेदांत के द्वारा भी, मतलब तुम वेदांतियों के द्वारा भी सर्वज्ञम ब्रह्म अभिवगच्छता, ब्रह्म को क्या मानते हो? सर्वज्ञ तुम कहते हो, ऐसा स्वीकार करते हो। इसलिए सर्वज्ञान शक्तिमत्वेनैव सर्वज्ञत्वम् अभिवगत्यव्यम्, है ना? इसलिए सर्वज्ञान शक्ति वाले होने से, समझ में ना, जैसे सर्वज्ञ तो तुम मानते हो ब्रह्म में, इसी बगैर हम कहाँ पर मानते हैं? प्रकृति में मानते हैं। आगे कि नहीं? आ गया। अच्छा, नहीं सर्व, अच्छा और एक विचार करते हैं। देखो यहाँ पर करते हैं कि सर्व विषय ज्ञानम कुर्वते व ब्रह्म वर्तते, ये बताओ तुम जो ब्रह्म को क्या मानते हो? सर्वज्ञ मानते हो ना, है? तुम्हारा ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है वो, ये बताओ सर्वदा उसमें ज्ञान रहेगा? क्या कहते हैं? सर्व विषम ज्ञानम कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते, सर्वदा ज्ञान उसमें रह करके ब्रह्म सर्वज्ञ होगा, ऐसा कहोगे? नहीं कह सकते। सांख्या बोला नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तथा ही ज्ञानस्य नित्यत्वे, ये बताओ तुम्हारा ब्रह्म है नित्य ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? क्या? जो नित्य ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान क्रिया के प्रति कर्ता कैसे बनेगा? सर्वज्ञ किसको कहेंगे? जो ज्ञान रूपी क्रिया का कर्ता हो उसको सर्वज्ञ कहोगे,
ज्ञान एक क्रिया है कि नहीं, ज्ञान उसमें उत्पन्न होगा, किस में? ब्रह्म में, कि नहीं? जैसे आपको घट का ज्ञान हुआ, घट ज्ञान का कर्ता कौन हो गए? आप हो गए। इस वजह परब्रह्म जो जगत को जानेगा तो ज्ञान क्रिया उसमें होगी, तब तो ज्ञान क्रिया का कर्ता कहोगे, समझ में कि नहीं? जिसका स्वरूप ज्ञानी है तो ज्ञान क्रिया का कर्ता कैसे बनेगा वो, कैसे में? हाँ वही तो कह रहे हैं, जो ज्ञान स्वरूप है वो नित्य ज्ञान स्वरूप है कि नहीं, उसमें ज्ञान क्रिया का कर्ता तो बनेगा नहीं वो, ये कह रहे हैं। देखो ज्ञानस्य नित्यत्वे, तुम्हारा ज्ञान तो नित्य है, तुम्हारा ब्रह्म रूप ज्ञान क्या है? नित्य है। इसलिए ज्ञान क्रियां प्रति है, तो ज्ञान क्रिया के प्रति कर्ता यदि हो गया है, कर्ता यदि हो गया, तो कर्ता यदि हो गया तो क्या हुआ फिर है? उसमें स्वरूप ज्ञान नहीं रहा फिर, क्या स्वरूप ज्ञान नहीं रहा? आप ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ज्ञान है। इसलिए ब्रह्म का स्वरूप ही नहीं रहेगा फिर। स्वात्यंतरम ब्रह्मणो हिए तो है ना, तो ब्रह्म का स्वातंत्र जो ज्ञान है वो रहेगा नहीं रहेगा? वो ज्ञान क्रिया का जो कर्ता हो गया वो स्वयं ज्ञान रूप हुआ? हाँ, क्रिया अलग होती है, क्रिया का कर्ता अलग होता है, क्या समझ? जैसे अब आप कहीं जा रहे हो है ना, देवदत्त ग्रामम गच्छति, गमन क्रिया का कौन हो गया? कर्ता। कर्ता अलग होता है, गमन क्रिया अलग होती है, भाषण में आ गया? तो ब्रह्म यदि ज्ञान रूपी क्रिया का कर्ता हो गया वो स्वयं ज्ञान रूप होगा नहीं होगा? वो भाषण में कि नहीं है, इसलिए बोलते हैं है ना। अथ अनित्यम तदिति, हाँ ब्रह्म का स्वरूप। हाँ बोलो। वहाक त्यागे, वहाक त्यागे, ये तो मतलब क्या नहीं रहेगा है, समझ में कि नहीं? हाँ ऐसा बोलते हैं, ब्रह्मण स्वातंत्रम ये तो, ब्रह्म का स्वतंत्रता नहीं रहेगी, समझ में कि नहीं? हाँ छूट जाएगी। अथ अनित्यम तत्, ज्ञान यदि अनित्य हो गया, क्या ज्ञान यदि क्या हो गया? अनित्य हो गया, तो अनित्य जो होगा, समझ में है ना, वो तो हमेशा नहीं रहेगा, क्या हमेशा नहीं रहेगा ना? कौन? ज्ञान यदि अनित्य होगा तो, है ना? तो ज्ञान क्रियाया उपरमेता अपि ब्रह्म, है ना? क्या पाठ है आप लोगों के पुस्तक में? ज्ञान क्रियाया आगे क्या है? हाँ कहीं कहीं पाठ ऐसा भी होता है, ज्ञान क्रियाया उपरमे, ऐसा है, ज्ञान क्रियाया उपरमे, उपरमे तो अपि ब्रह्म। तो ज्ञान रूपी क्रिया जब नहीं रहेगी तो उसमें ज्ञान रहेगा क्या? क्या कह रहे हैं? नहीं रहेगा ना। हाँ जैसे मान लीजिए जब जीव को दुख होता है ना, तो दुख रूप जिसमें नहीं उत्पन्न होगा है कि नहीं, तो आप दुखी है क्या? दुख होगा तो आप दुखी कहोगे ना, सुख होगा तो आप सुखी कहोगे, सुख होने पर आप सुखी, दुख होने पर दुखी। इसी बगैर ज्ञान रूपी क्रिया जिसमें नहीं रहेगी ब्रह्म में है, तो क्या होगा फिर? हाँ वो तो ब्रह्म ही नहीं रहेगा स्वरूप, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान कहते हो। ले ज्ञान को नित्य मानने पर भी दिक्कत, अनित्य मानने पर भी दिक्कत, समझ में कि नहीं? आ गया कि नहीं आया? ये बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तदा सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वम आपतति, इसलिए यही मानना पड़ेगा, सर्वज्ञान शक्ति को लेकर के सर्वज्ञ कहना पड़ेगा, है ना? ज्ञान स्वरूप होकर के सर्वज्ञ नहीं हो सकता कोई, क्या है? ज्ञान स्वरूप होकर के कोई सर्वज्ञ नहीं होगा। ज्ञान क्रिया शक्ति वाला, ज्ञान रूपी जो ज्ञान क्रिया रूपी जो शक्ति है, शक्ति को लेकर के उसको सर्वज्ञ कहना पड़ेगा, आगे कि नहीं आगे, है ना?
अपिच, तो क्या होगा इससे? उत्पत्ते सर्व कारक शून्यम ब्रह्म इष्यते त्वया, है ना? हाँ, तो तुम क्या मानते हो ब्रह्म को? हैं, अरे ज्ञान कहाँ पर होगा? जहाँ पर कोई शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, इंद्रिय हो, तब तो ज्ञान होगा ना। क्या जीव में तब ज्ञान होता है? उसमें जब बुद्धि हो तो, मन हो तो, बुद्धि रूपी उपाधि ना हो है तो जीव में ज्ञान कैसे होगा? ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म में यदि कोई कारक हो, शरीर आदि जो इंद्रिया आदि हो, कारक मतलब क्या? ज्ञान का साधन। कारक मतलब ज्ञान का साधन। जिस समय ज्ञान का साधन नहीं होगा तो ज्ञान होगा ब्रह्म में? क्या ज्ञान का साधन कब होगा? जब शरीर आदि की उत्पत्ति हो। हाँ, तो शरीर आदि की उत्पत्ति से पहले क्या था? केवल ब्रह्म था। जगत की उत्पत्ति से पहले ब्रह्म ही था ना। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ था नहीं। जब कुछ था नहीं, कुछ जब था ही नहीं, तो ब्रह्म में ज्ञान कैसे होगा बताओ? आगे समझ में? हाँ, कौन बोल रहा है? सांख्य बोल रहा है। बात समझ में है ना? ये बोलते हैं अपिच प्राग उत्पत्ति है, जगत की उत्पत्ति से पहले सर्व कारक शून्यम। ब्रह्म में कोई कारक है क्या? ज्ञान का साधन कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अब माया बोले वही तो हमारी प्रकृति है। अब बोले माया बोलोगे ना तो माया वही तो प्रकृति है। आज माया कहोगे कि नहीं कहोगे? तो वही हमारी प्रकृति है। बात समझ में है कि नहीं? हाँ, ऐसा बोलते हैं। अरे भाई जगत को सत्य मानते हैं ना। क्या मानते हैं? जगत को सत्य मानते हैं, इसलिए होगा ये सब, सारी शंका बनती है। सर्व कारक शून्यम ब्रह्म इष्यते त्वया, तुम तो ब्रह्म को क्या मानते हो? समस्त कारक, ज्ञान का साधन जो शरीर आदि, शरीर आदि से भिन्न मानते हो, शरीर आदि से रहित मानते हो। किसको? ब्रह्म को। इसलिए ब्रह्म में सर्वज्ञता कैसे होगी बताओ? लगे कि लग गए? ये बोलते हैं नच ज्ञान साधनानाम शरीर इंद्रियादिनाम अभावे ज्ञान उत्पत्ति कस्यचित उपपन्न। तो कहाँ पर ऐसा बताओ? जिसके पास कोई ज्ञान का साधन नहीं है, चाहे योगी हो, कितना बड़ा देवता हो, कोई भी हो, है कि नहीं? जिसके पास ज्ञान का साधन नहीं है और ज्ञान होता हो, बताओ कहाँ ऐसा होगा? जिसके पास ज्ञान का साधन नहीं तो ज्ञान कैसे होगा उसके पास, है कि नहीं है? ये कह रहे ज्ञान साधन आनाम, ज्ञान का साधन कौन? शरीर है, इंद्रिय है, बुद्धि है, प्राण है, इसे मिलाकर तब ना बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न होगा, है कि नहीं? ऐसा कोई दृष्टांत तो मिलता नहीं जिसके पास ज्ञान का साधन ना हो और ज्ञान होता हो। हम लोगों के पास सुषुप्ति है ना। हाँ जी, सुषुप्ति में ज्ञान होता है। सुषुप्ति में बिना इंद्रियों से भी ज्ञान होता है। तो वहाँ पर भी अविद्या मानते हो आप? वहाँ पर भी तो अविद्या मानते हो। चलो, ज्ञान साधनानाम शरीर इंद्रियादिनाम अभावे ज्ञान उत्पत्ति कस्यचित उपपन्ना। ज्ञान कोई होता नहीं, चाहे योगी हो चाहे देवता हो। तो योगी के पास भी तो शरीर रहता है कि नहीं रहता है, बोलो? हाँ, भले वो योग से जो है बुद्धि को उत्पन्न कर देगा वो, लेकिन बुद्धि तो उसके पास भी है। बिना बुद्धि से ज्ञान कहीं उत्पन्न नहीं होता भाई। लग गया ना? अब तुम्हारे प्रधान में कैसे होगा? अरे हमारे प्रधान में तो हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे ब्रह्म में नहीं होगा। तुम्हारा ब्रह्म तो अद्वितीय ब्रह्म कहते हो। ब्रह्म के पास कुछ है ही नहीं उत्पत्ति से पहले, तो ब्रह्म सर्वज्ञ कैसे हो जाएगा? तो किस में होगा? हमारे प्रधान में हो जाएगा। अपिच प्रधानस्य अनेकात्मकस्य, हमारा प्रधान कैसा है? अनेकात्मक है, मतलब त्रिगुणात्मक है। हमारा प्रधान जो है ना, हाँ, निर्गुण नहीं है, निर्विशेष नहीं है वो, त्रिगुणात्मक है वो। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण है उसके पास। अनेकात्मक तो त्रिगुणात्मक, इसलिए क्या होगा? परिणाम संभवात, उसमें परिणाम हो जाएगा ना, जगत रूप से परिणाम हो जाएगा। किस में? प्रकृति में हो जाएगा। लगे ना? इसलिए कारणत्व उपपत्ति ही, इसलिए कारण होगा जगत का। कौन? प्रकृति।
समझ में आएगी नहीं। जैसे मृदादिवत, जैसे घट के प्रति ना परिणामी कारण कौन है? मिट्टी। इसी प्रकार जगत के प्रति परिणामी कारण कौन होगा? प्रकृति। प्रकृति हाँ, प्रकृति होगा। पुरुष में कुछ नहीं होता है भाई, है ना? पुरुष में कुछ नहीं होता है, पुरुष तो निर्लेप मानते हैं। सांख्य लोग पुरुष को क्या मानते हैं? निर्लेप, है ना? सांख्य का ही बड़ा योगदान है, त्वम पदार्थ का शोधन। क्या समझा? त्वम पदार्थ, जो त्वम पद का जो अर्थ है ना, आत्मा चेतन, वो असंग है, वो चित स्वरूप है, जैसा वेदांती लोग मानते हैं कि नहीं, उसी प्रकार वो लोग भी मानते हैं, है ना? कर्तृत्व प्रकृति में है, चेतन में ना, चेतन में कर्तृत्व नहीं है, ऐसा मानते हैं वो लोग। इसलिए कहते हैं मृदादिवत घट के प्रति जैसे मिट्टी उपादान कारण है, समझ में है कि नहीं? हाँ, इसी बगैर जगत के प्रति उपादान कारण कौन होगा? प्रकृति है, त्रिगुणात्मक का जो प्रकृति है। ब्रह्म तो नहीं होगा नारायण, क्यों नहीं होगा? बोलते न असंहतस्य एकात्मकतस्य एकात्मकस्य, ये तुम्हारा ब्रह्म तो संहत नहीं ना है, संघात रूप नहीं ना है, वो तो एक ही हो, मतलब निर्विशेष। असंहतता का अर्थ क्या है? निर्विशेष, उसके पास कोई विशेष है ही नहीं, बात समझ में कि नहीं? और एकात्मक, वो एकात्मक है ना? कौन एकात्मक है? ब्रह्मा। एकात्मक का अर्थ क्या हो गया? अद्वितीय, सुनते हो? एकात्मक का अर्थ क्या है? अद्वितीय, मतलब क्या? सजातीय, विजातीय और स्वगत, समस्त भेद से रहित, ये हो गया एकात्मक। लगे लगे है ना? ऐसा जो ब्रह्म है ना, वो जगत का कारण नहीं बन सकता है, ये सांख्या बोल रहा है। इत्येवं प्राप्ते, ऐसा सांख्य मत प्राप्त होने पर इदम सूत्रम आरभ्यते, इसलिए ये सूत्र का आरंभ किया जाता है। कौन सूत्र भाई? यही पंचम सूत्र है, पंचम सूत्र, ठीक है? आगे हाँ, तो फिर वो ब्रह्म तो एको आम बहुत श्याम प्रजाहित, उसने इच्छा किया। हाँ तो, और वो माया को लेकर के जो है ये सब सृजन कर दिया संसार, तो प्रकृति बनाया, प्रकृति कहाँ बनाया? ब्रह्म ही बनाया ना? वो तो आप वेदांती बोलोगे ना, अरे भी आप वेदांती बोलोगे, आप वेदांती बोलो। हाँ तो सांख्य तो यही कह रहेगा ना, तुम्हारे पुरुष में क्या संबंध है? ये तो कह रहा हो, तुम्हारा ब्रह्म तो है, चेतन तो है, हम कहाँ नहीं मान रहे, लेकिन उसका संबंध नहीं है तो उसमें ज्ञान कैसे होगा भाई? हाँ, उसमें इच्छा कैसे होगी? तो संबंध ही नहीं मानते हो तुम, क्या उसका संबंध किसी का है? किसी के पास है ही नहीं है कि नहीं? ले तुम्हारा पुरुष में कैसे ज्ञान होगा, इच्छा कैसे होगी, है ना? ये उनका कहना है, इसलिए वो प्रकृति में होगा, ज्ञान भी प्रकृति में होगा। क्या समझे? ज्ञान भी प्रकृति में होगा। क्यों प्रकृति में हो जाएगा ज्ञान? बोले सत्य गुण है उसके पास। इच्छा शक्ति कैसे हो जाएगी? रजोगुण है उसके पास, है ना? हाँ, इसलिए ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति हो जाएगी प्रकृति में, ब्रह्म में नहीं हो सकते, ये उनका कहना है। ब्रह्म तो तुम्हारा असंग है भाई, तुम्हारा ब्रह्म क्या है? असंग है। तो असंग है तो उसमें कौन से कैसे होगी बताओ, बात समझे कि नहीं? है ना, इस अभिप्राय से बोल रहा है, हमारा प्रधान कारण हो सकता है, तुम्हारा ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है, ये सांख्य मत है, बात समझे कि नहीं? ऐसा है तो ये पूर्व पक्ष है, इसका सिद्धांत के रूप से ये सूत्र है, इच्छतेर ना शब्दम, ठीक है ना? इसका तो विचार बाद में करेंगे, इसके ऊपर भामती में कुछ विचार है, उसको देखो। शुरू से भाई, तो देखिए भामती में
आप लोग जो पुस्तक है ना, तो चतुर्थ सूत्र के जो अंतिम में जो श्लोक दिया है भामती में, वो इधर आना चाहिए, पंचम सूत्र में आना चाहिए है ना, उधर छाप दिए हैं। एवं कार्यान्वयं विना सिद्ध रूपे ब्रह्मणि मानता पुरुषार्थे स्वयं तावत्। मिला आप लोगों को? मिला? हेलो राजू, मिला आप लोगों को? हाँ, वो इधर आएगा। कहीं के एवं है पाठ, कहीं के नहीं भी है। हाँ चलो, तो नहीं है तो हम, हाँ कहीं कहीं है, कहीं के नहीं भी है। चलो हाँ हाँ ठीक है, तो ऐसा करना है, कार्यान्वयं विना सिद्ध, कार्यान्वयं विना सिद्ध रूपे ब्रह्मणि मानता, रूपे ब्रह्मणि मानता पुरुषार्थे स्वयं तावत्, वेदांतानां प्रसादिता, वेदांतानां प्रसादिता। देखो पाठ पाठांतर है, कहीं कहीं एवं है श्लोक के अंदर नहीं है, श्लोक के अंदर नहीं है, ठीक है ना भाई। तो श्लोक के अंदर नहीं है तो जैसा पढ़ लिया ऐसा होगा, कहीं कहीं एवं श्लोक के अंदर है, क्या श्लोक के अंदर, जहाँ पर श्लोक के अंदर एवं है तो वहाँ पर क्या करना है, रूपे शब्द नहीं रहेगा, एवं कार्यान्वयं विना सिद्ध ब्रह्मणी मानता, ऐसा पाठ होगा। बस समझ में, पाठांतर बोल रहा हूँ मैं, है कि नहीं। ए हैं, कहीं श्लोक के अंदर ही एवं को रखेंगे तो कौन शब्द नहीं रहेगा, रूपे शब्द नहीं रहेगा, और सिद्ध को जोड़ देना है ब्रह्मणी के साथ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, दोनों अच्छा है ना। अब देखो क्या बोलते हैं, कार्यान्वयं विना, कार्यान्वयं विना है ना भाई, तो ब्रह्म में कार्य का कोई संबंध नहीं है, ब्रह्म को आपने जाना है, आम अस्मि पर ब्रह्म, तो ब्रह्म का विनियोग कहाँ पर करोगे, कर्म में उपासना में कहाँ पर करोगे, नहीं, ब्रह्म में जो निर्विशेष जो ब्रह्म है, उपास्य ब्रह्म नहीं है, जो निर्विशेष ज्ञेय ब्रह्म है उसमें कार्य का अन्वय नहीं होता है, कार्य का संबंध नहीं होता है नारायण, इसलिएगा कार्यान्वयं विना, ठीक है। सिद्ध रूपे ब्रह्मणी मानता है, ब्रह्म क्या है, सिद्ध स्वरूप है वो, है ना, उसमें है वेदांत का प्रामाण्य, मानता का अर्थ प्रामाण्य, समझ में कि नहीं, ठीक है ना। उधर अन्वय है, तावत वेदांतानां मानता प्रसादिता, संपूर्ण वेदांत को, हाँ वेदांत का तात्पर्य कहाँ पर है, बोलते हैं वही सिद्ध रूप ब्रह्म में, ये सिद्ध रूप ब्रह्म में प्रामाण्य ये सिद्ध किया गया, बात समझ में, कहाँ पर, तत्व समन्वया, अभी सूत्र गया ना चतुर्थ सूत्र। अब ब्रह्म स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है, ये लिखा देखो, स्वयं पुरुषार्थे ब्रह्मणि, ब्रह्म स्वयं पुरुषार्थ क्या है, ब्रह्म को आपने जान लिया तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई, बस पुरुषार्थ, ब्रह्म ही स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है आगे समझ में, आपने जाग को जान लिया, जजेता स्वर्ग काम, स्वर्ग का साधन जाग है, तो पुरुषार्थ मिलेगा, जानने मात्र है, अनुष्ठान करना पड़ेगा, पुण्य कमाना पड़ेगा ब्रह्म को जान लिया तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई, मोक्ष हो गया, ये सिद्ध किया गया। आगे देखो, ब्रह्मा जिज्ञासा प्रतिज्ञाया, देखो पहला सूत्र क्या है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रतिज्ञा की गई है ना, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए साधक को, ये प्रतिज्ञा की गई, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करता
ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार, ये ब्रह्म जिज्ञासा, इच्छा नहीं, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार। इच्छा से होती है, इच्छा से होता है विचार, पहले इच्छा होती है ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की क्या होती है, इच्छा होती है, इच्छा के बाद क्या होती है, फिर विचार होता है, ये है ना भाषण में, ये सन प्रतिच्छार्थ में, इच्छा से होने वाला जो विचार, हाँ वो विचार करना चाहिए, भाषण में है कि नहीं, हाँ ये पहले विचार कर दिया। ब्रह्म जिज्ञासा प्रतिज्ञाय, कौन सा ब्रह्म है भाई, बोले जन्मादिश यतः, लक्षण बता दिया, यतो वायु माने भूता ने जानते, ये श्रुति के लेकर सूत्र हुआ, द्वितीय सूत्र जन्मादिश यतः सूत्र हो गया इत्यादि ना, बराबर है। अच्छा और चतुर्थ सूत्र आया तत्व समन्वयात, इति अंत ना, पहला सूत्र अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, फिर जन्मादिश यत कहा, फिर क्या कहा, शास्त्र जनित्वात, इसमें प्रमाण क्या है, शास्त्र है, क्या ब्रह्म जगत का कारण है, इसमें क्या प्रमाण है, शास्त्र है, इसलिए शास्त्र जनित्वात कहा, ठीक है। ऐसे ब्रह्म में वेदांत का क्या है, समन्वय हुआ, इति अंत न, यहाँ तक। सूत्र संदर्भ ना, सूत्र के संदर्भ से, चार सूत्र है ना, सर्वज्ञ सर्वशक्तो, तुम्हारा ब्रह्म है सर्वज्ञ, तुम्हारा ब्रह्म है सर्वशक्तिमान, ऐसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म है कि नहीं, जगत उत्पत्ति स्थिति विनाश कारण है, जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश का कारण है, ऐसे ब्रह्म में प्रामाण्यम, प्रामाण्यम वेदांत का प्रामाण्य है ब्रह्म में, उपपादितम, ये उपपादन कर दिया गया, सिद्ध कर दिया, निश्चय कर दिया गया, किस सूत्र से, चतुर्थ सूत्र से, तत्व समन्वय सूत्र से, बराबर है, मतलब शुरू से लेकर, शुरू से लेकर यहाँ तक आ गया विचार। उसके बाद कहते हैं तच्च ब्रह्मणीति परमार्थतः न तो अद्यापि ब्रह्मणी एव इति व्युत्पादित, ठीक है, तत् कहने से क्या, जगत कारणत्व, जगत कारणत्व जो है ब्रह्म में परमार्थतः मतलब वस्तुतः निश्चित करके जगत का कारण परमात्मा ही है, ऐसा एकदम मोहर तो नहीं लगाया बुद्धि में, निश्चय तो हुआ नहीं अभी तक, ये बोलते हैं ब्रह्म कारण हो सकता, अन्य भी कारण हो सकता है ब्रह्म ही कारण है ऐसा निश्चय नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं, निश्चय होगा तो फिर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं। न तो अद्यापि मतलब अभी तक जो है ब्रह्मणी एव, वो जगत कारण तो ब्रह्म में ही है, अन्यत्र है ही नहीं, इति व्युत्पादितम न व्युत्पादितम, अभी तक आपने निश्चय किया नहीं, मोहर लगाया नहीं अभी तक, मतलब निश्चय हुआ नहीं, ठीक है ना, इसलिए तद अत्र संदेह थे, इसलिए संदेह होता है ना, इसलिए जगत कारणत्व के विषय में ये संदेह होता है, ठीक है, सबको नहीं हो सकता, नहीं अधिकतर तो हो सकता है, कोई साधक को ना भी हो लेकिन कुछ लोगों को तो हो सकता है संदेह थे, इसलिए कह रहे हैं तद जगत उपादान कारणम, इसलिए जगत का उपादान जो कारण है, किम चेतनम उत अचेतनम, क्यों चेतन हो सकता है कि अचेतन हो सकता है, सच में ना, कौन जगत का कारण, अत्र च भी प्रतिपत्ति, इसलिए बहुत प्रतिपत्तियां हैं, विरुद्ध प्रतिपत्तियां, विरुद्ध जो है मत मतांतर है, सच में कि नहीं, किसमें मत मतांतर है, बोले प्रतिवादी नाम, ती ती पाठ चाहिए, प्रतिवादी नाम, जो प्रतिवादी है ना वेदांत से अतिरिक्त सब प्रतिवादी है कि नहीं, तो बहुत मत मतांतर है, तो विशेष अनुपलम्भे, इसलिए विशेष उपलम्ब नहीं होता है, विशेष निश्चय नहीं हो सकता है, बात समझ में कि नहीं, विशेष निश्चय हो जाएगा तो संशय नहीं होता है, क्या समझ में, विशेष रूप से ज्ञान हो जाएगा तो संशय होगा, नहीं हो सकता है,
हाँ, जैसे स्थाणु है कि पुरुष है, निश्चय नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? संशय होगा ना। हाँ, स्थाणु हो अथवा नहीं तो पुरुष ही है। हाँ, एक तो क्या होगा, यथार्थ ज्ञान होगा, नहीं तो भ्रम ज्ञान होगा। यथार्थ ज्ञान में भी हाँ, जो है भी प्रतिपत्ति नहीं होती है, मतलब अनेक प्रतिपत्ति नहीं होती है कि नहीं? और भ्रम ज्ञान भी वो एक अनेक प्रतिपत्ति नहीं होती है। हाँ, भ्रम में भी निश्चय होता है। अरे ये तो क्या है, चोरी है है ठूंठ, लेकिन आप क्या समझ रहे हो, चोरी है, तो यहाँ पर भी निश्चय है कि नहीं? हाँ, अथवा स्थाणु ही है, ठूंठ ही है, ये भी निश्चय है। यथार्थ ज्ञान में भी निश्चय होता है और भ्रम ज्ञान में भी निश्चय होता है, लेकिन जहाँ पर अनेक प्रतिपत्ति हो उसको संशय बोलते हैं। ठूंठ है कि चोर है, सीपी है कि चांदी है, इसी प्रकार से चेतन जगत का कारण होगा कि अचेतन जगत का कारण होगा, ये होता है संशय, लगे ना? तो सांख्य बोलेगा कि प्रधान, तत्र च प्रधानम अचेतनम। प्रधान क्या है? प्रकृति है ना, साम्यावस्था वाली जो प्रकृति है ना, है ना, गुणों में जो साम्यावस्था हो, गुणों में न्यूनाधिकना हो, उत्पत्ति से पहले प्रकृति के गुण में साम्य अवस्था रहती है, उसको कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। बस में ये बोलते हैं तत्र प्रधानम अचेतनम। प्रधान जो जो है ना प्रकृति, वो अचेतन है, वही जगत का उपादान कारण बनेगा, है ना। हाँ, वीडियो बंद कर दीजिए भाई। हाँ ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। जगत उपादान कारणम अनुमान सिद्धम। बोलते प्रकृति तो दिखती नहीं है, कैसे मानते हो? अनुमान से सिद्ध करते हैं। क्या कहते हैं? अनुमान से सिद्ध करते हैं, ठीक है ना? ऐसा है ऐसा कहते हैं अनुमान सिद्धम। और ये जो जगत का कारण प्रधान है उसी को उपनिषद कहता है, और क्या है, अनुवाद करता है। बात समझ में कि नहीं? उपनिषद क्या करता है? अनुवाद करता है। हमारा जो प्रधान है जगत का कारण, जो अनुमान से सिद्ध है, उसी का कथन उपनिषद वाक्य करता है। कौन सा उपनिषद वाक्य? यतो वा इमानी भूतानि जानते ये न जातानि जीवन्ति, ये श्रुति बोलती है। सांख्य, सांख्य सांख्य बोल रहे हैं, इसलिए कह रहा है। देखो अनुवदंती उपनिषद इति सांख्या। हाँ, कौन बोलते हैं? सांख्य लोग बोलते हैं, समझ में कि नहीं? और कोई तार्किक बोलेगा ये सब तुम नहीं जानते हो, ये से परमाणु से जगत की उत्पत्ति है, ये कह रहा है। क्या जगत की उत्पत्ति से पहले परमाणु था कि नहीं? छोटे छोटे कण थे, उसमें परस्पर में संयोग हो गया ईश्वर के कारण, ईश्वर की इच्छा से। ईश्वर तो सर्वज्ञ, वो सर्वशक्तिमान है, वो है, इसलिए ईश्वर की इच्छा मात्र से परमाणु में क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। क्रिया होने पर क्या होगा? संयोग हो जाएगा परमाणु में परस्पर, और जगत बन गया, ऐसा मानते हो लोग। ये तो लिखा है जीव अणु व्यतिरिक्त चेतन ईश्वर है ना, निमित्त अधिष्ठिता चतुर्विधा। ये देखो भी, जीव से व्यतिरिक्त कौन है? जीव भी चेतन है और ईश्वर भी क्या है? चेतन है, ईश्वर भी चेतन। उस ईश्वर हो गया निमित्त कारण, जगत का निमित्त कारण ईश्वर मानते हैं वो लोग। कौन? तार्किक लोग, क्योंकि ईश्वर की इच्छा से बन रहा है ना जगत, हैं तो ईश्वर, हैं ईश्वर में ज्ञान है, सर्वज्ञता है, सर्वशक्तिमत्ता है, इच्छा है, उसके बाद ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कृति है। ज्ञान, इच्छा और कृति कहाँ पर रहेगी? हाँ, ऐसा मानते हो लोग। जैसे आपके शरीर में चेष्टा होती ना, क्या है ना, जैसे आपके शरीर में क्या होती है, जैसे आप उठाते हो ना लड्डू को, उठाते हो थाली में, आपके पास लड्डू आ गया तो लड्डू उठाते कि नहीं? तो उठाने की जो चेष्टा कहाँ पर हो रही है? हाथ में हो रही है कि नहीं? ये किससे हो रही है? बोलते हैं चेतन से। जीव जो चेतन है ना, वो चेतन में पहले ज्ञान होगा, ज्ञान शक्ति है ना,
कैसे? ये लड्डू मेरे लिए अभीष्ट साधन है, ये ज्ञान होगा। किस ज्ञान किसको होगा? ये तार्किक के अनुसार बोल रहा हूँ मैं, देखा जाए तो वेदांत के अनुसार भी है। जीव में ज्ञान होगा, होगा कि नहीं होगा? ये लड्डू मेरे लिए क्या है? अभीष्ट है, ये ज्ञान होगा। ज्ञान होगा ना, फिर क्या होगी उसके बाद? इच्छा होगी, इसको मैं प्राप्त करूँ, इच्छा होगी कि नहीं होगी? फिर क्या होगी इच्छा के बाद? कृति होगी। वो कृति क्या है? चेतन का धर्म मानते तार्किक लोग, ऐसा समझ में। फिर बाद में फिर क्या होती? चेष्टा होती है। किस में? शरीर में। फिर शरीर जा जाएगा, ऐसे हाथ बढ़ाएगा, ऐसा समझ में। इसी बगैर परमाणु में जो है ना, परमाणु में जो क्रिया होगी ना, परमाणु में जो चेष्टा होगी, जैसे हाथ में चेष्टा हो रही है, इस जगह जगत उत्पत्ति से पहले जो चेष्टा कहाँ पर होगी? परमाणु में होगी। हैं, किसके कारण होगी? मतलब ईश्वर के कारण, क्यों? ईश्वर को ज्ञान है। हैं, इस जगत को वहाँ जगत को कैसे बनाना है ना, कौन सा जीव कौन सा धर्म अधर्म किया है, ये ज्ञान किसको होगा? ईश्वर को होगा। हैं, फिर ज्ञान के बाद क्या होगी? इच्छा होगी। इच्छा के बाद क्या होगी ईश्वर में? कृति होगी। हाँ, कृति को चेतन का धर्म मान देता रखे लोग। फिर क्या होगी? परमाणु में चेष्टा होगी। परमाणु में चेष्टा होने पर जो है परमाणु बन जाएगा, ये जुड़ जाएगा वो। हाँ, फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा होकर के जो स्थूल हो जाएगा वो, बड़े बड़े पहाड़ बन गए, सब बन गए। ऐसे ये तार्किकों की प्रक्रिया है, सिद्धांत है भी भाई ना। बहुत उसने भी बहुत सुंदर विचार किया है, ऐसा नहीं है, तार्किक ने भी बहुत विचार किया है, है ना। उदान आचार्य वगैरह जो है ना, बहुत विचार किया उसने, वेद का बहुत प्रचार किया उसने। वो लोग भी सब वैदिक है, नया के लोग भी क्या है, वैदिक है। वो बहुत विचार किया, बौद्धों से बहुत उसने शास्त्रार्थ किया और सिद्ध किया। नहीं, वेद प्रमाण है, ईश्वर है, बहुत उसने विचार किया। भले ही अद्वैत को नहीं मानते हैं ना, लेकिन विचार बहुत किया उसने, ईश्वर के विषय में बहुत विचार किया, उदान आचार्य आदि जो है ना। और भगवान के बड़े भक्त भी है। कौन? उदनाचार्य। हाँ हाँ, पहले बता था जगन्नाथ जी का। बहुत बड़े भगवान के भक्त थे उदनाचार्य। तो ये उनका कहना है। चलो, इसलिए कहते हैं ईश्वर हो गया निमित्त कारण, ठीक है। उस ईश्वर निमित्त कारण में अधिष्ठिता, उसमें आश्रित कौन है? ये परमाणु है। उसमें आश्रित होकर के परमाणु में चेष्टा होगी ना। अब परमाणु कितने प्रकार के? चार। चतुर्विधा परमाणु, चार प्रकार के परमाणु क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु। सुनते हो ना, है ना। तो चार भूतों का क्या है? परमाणु है, अंतिम अवयव। उसका लय नहीं होता है, जगत का लय होने पर भी परमाणु का लय नहीं होता, वो रहता है, वो नित्य है, ऐसा मानते हो लोग, लगे ना। वही जगत उपादान कारणम, वो जगत के उपादान का कारण कौन हो गया? परमाणु हो गया, है ना। तो परमाणु हो गया उपादान कारण, और ईश्वर हो गया निमित्त कारण। जैसे घट के प्रति निमित्त कारण कौन हो गया? कुलाल है। और उपादान कारण कौन है? मिट्टी। इसी का जगत के प्रति उपादान कारण परमाणु, और निमित्त कारण ईश्वर हो गया। आगे नहीं समझ में, ऐसा बोलते हैं वो लोग, है ना। तो ये अनुमान से सिद्ध हो जाएगा, है ना। जगत उपादान कारणम अनुमितम, इसलिए जगत सकर्तृकम कार्यत्वात, है ना। न्याय मुक्तावली में कह रहा छित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात यथा घट। सारा पृथ्वी कार्य है, इसका कारण तो कौन होगा? कोई कर्ता हो तो ना, है? कर्ता हो, कर्ता कौन होगा? कर्ता ईश्वर होगा, कर्ता ईश्वर को बोलते हैं। उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्साकृति महत्व कर्तृत्व। घट के प्रति कर्ता कौन है? कुलाल, क्योंकि उनको ज्ञान है ना, घट कैसे बनेगा, किस मिट्टी से बनेगा, वो भी तो ज्ञान है। चिकनी मिट्टी से बनेगा कि रेतीली मिट्टी से बनेगा, कुलाल को ज्ञान है कि नहीं? इच्छा भी है और कृति भी है। ज्ञान, इच्छा, कृति जिसके पास हो उसको कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। ये ज्ञान, इच्छा, कृति ईश्वर को है,
बाकी को नहीं हो सकता, किसी जीव को नहीं हो सकता है, ये उनका कहना है। लग गया ना? ये कौन कहते हैं? इति काणादाह, कणाद के अनुजाई वैशेषिक है, नैया के दोनों ले लो, हाँ तार्किक लो। हाँ हाँ, भाष्य में जो था ना आदि था, क्या था? सांख्याद्वयस्तु था कि नहीं? सांख्याद्वयस्तु परिनिष्ठितम वस्तु, वहाँ पर सांख्यादि जो बोल दिया है ना, आदि से ले जो आदि ग्रहण है ना, अभाव उपादनात्वादि ग्रहितव्यम। अरे अभाव को ही उपादान मानते हैं, शून्य, अभाव मतलब शून्य, शून्य, अरे सब सारा शून्य का विवर्त है और क्या है। ठीक है, क्या प्रमाण है? बस वही असदैव सम्यक्तम अग्र आसीत, असत से ही जगत की उत्पत्ति बता दी है। तो असत कौन है? शून्य है, उसी का ही सारा संसार क्या है? विवर्त है, ये मानते हैं, है कि नहीं? अभाव उपादानत्वादि ग्रहितव्यम। और वेदांती अंत में बोल रहे हैं, अरे माया से सब है, ये कह रहे हैं। अनिर्वचनीय अनादि अविद्या शक्तिमत, देखो माया है ना, माया, माया कैसी है? अनिर्वचनीय है, अनादि है, ऐसी जो अविद्या, अविद्या कहने से यहाँ पर माया ही, अविद्या और माया को अलग अलग नहीं मानते ये कौन भामतिकर, अविद्या और माया एक ही है। इसलिए एक वचन का मायाम तो प्रकृतिम विद्यात, माइनम तो माहेश्वरम, है कि नहीं समझ में आया? नहीं, ऐसा नहीं मानते, मूला विद्या तुला विद्या ऐसा भामतिकर नहीं मानते, एक ही अविद्या है, ऐसा है ना। धीरे से आओ। तो अनिर्वचनीय अनादि अविद्या शक्तिमत है ना, शक्ति वाला कौन हो गया? चेतन, ईश्वर हो गया, वही हो गया उपादानम, उपादान कारण है, लगे ना। जगत आगमिकाम, जगत का यही उपादान कारण है, कौन? ईश्वर है। ठीक है, इति आगम प्रमाण से हो रहा है, किससे हो रहा है ये? आगम शास्त्र प्रमाण से हम कहते हैं, है ना। इति ब्रह्मविद, तो ब्रह्मवेत्ता लोग कौन हो गए? वेदांती लोग, मतलब ब्रह्म को मानने वाले जो वेदांती लोग हैं वो लोग कहते हैं, लगे ना। बोलते हैं ये जो मदमतांतर हो रहा है क्यों होता है, मदमतांतर का बीज क्या है? कोई ना कोई वो सिद्धांत तो कहता है, उसका कोई बीज होना चाहिए कि नहीं, आधार होना चाहिए ना। देखो ये आधार कह रहे हैं, बी प्रतिपत्ति नाम एतासाम च बी प्रतिपत्ति नाम अनुभव वाक्य अनुमान वाक्याभास बीजम। यहाँ पर तत् आगे नहीं चाहिए, अनुमान वाक्य अनुमान वाक्याभास बीजम, ऐसा है। ठीक है, अनुमान और क्या है? वाक्य है, समझ में कि नहीं? अनुमान करते हैं और वाक्य क्या है? शास्त्र प्रमाण वाक्य हो गया, बात समझ में कि नहीं? अनुमान और क्या है? वाक्य, शास्त्र प्रमाण। वेदांती अनुमान, वेदांती भी अनुमान करता है, लेकिन अनुमान का आधार क्या है? वाक्य, शास्त्र, है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग अनुमान करते हैं लेकिन कुतर्क अनुमान करते हैं, उसको कहते हैं अनुमान आभास। आपको दिखता अनुमान की तरह लेकिन है ही नहीं अनुमान, हो समझ में ना। हाँ, जैसे कोई अनुमान कर दिया, क्या अनुमान कर दिया, कैसे अनुमान कर दिया, वो तो कैसे बताता हूँ। जैसे मृत नर कपालम सूचि प्राणी अंगत्वात शंखवद, अनुमान कर दिया, मरे हुए आदमी का खोपड़ी क्या है? शुद्ध है। क्या कह दिया? शुद्ध है। क्यों? प्राणी का अंग है, जैसे यथा शंख हो गया अनुमान। देखो जो जो प्राणी का अंग होगा वो क्या है? शुद्ध होगा, जैसे खो शंख हो गया कि नहीं, तो शंख भी प्राणी का अंग है ना, शंख भी किसका अंग है? प्राणी का अंग। और खोपड़ी भी क्या है? मरे हुए आदमी की खोपड़ी, वो भी क्या है? ये भी शुद्ध हो जाए। अनुमान तो सुनने में अच्छा लगता है, यत्र यत्र प्राणी अंगत्वम तत्र तत्र शुचित्वम, ऐसे अनुमान नहीं, अनुमान का आभास है। हाँ, इसलिए नया लोग अनुमान तो करते हैं लेकिन अनुमान का ही क्या है? आभास है। और कोई ना कोई आधार देते हैं, क्या देते हैं?
आधार शास्त्र को, वो भी वास्तविक प्रमाण नहीं है। वो जैसा तात्पर्य ऐसा तात्पर्य का निर्धारण नहीं करते हैं। अपने सिद्धांतों को पुष्ट करने के लिए कोई ना कहे देखो वेद में भी ऐसा लिखा है। बस में जीव अलग है, ईश्वर अलग है। जीव तो पराधीन है क्या, तो ईश्वर के अधीन है, दोनों क्या है, सत्य है। दोनों का भेद क्या है, सत्य है, अभेद नहीं हो सकता, द्वैत भेद है। हाँ, इसको सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं द्वैतवादी लोग, द्वापूर्ण संयोजा सकाया। उसका तात्पर्य वास्तविक पारमार्थिक भेद में ही है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? इसी बगैर कुछ ना कुछ लोग देते हैं, है ना, मंत्र को देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं आभास। क्या कहते हैं? पूर्व पक्षियों का बल क्या है, अनुमान का आभास और वाक्य का आभास। और वेदांति का बल क्या है, वास्तविक अनुमान और वास्तविक वाक्य। आगे नहीं, ये हो गया बीयम, बी प्रतिपत्तियाँ होने में, अलग मत मतांतर होने में, ये हो गया बीय, कारण है, हेतु है, लगे ना। तद एवं बी प्रतिपत्ति है संशय किम तावत प्राप्तम, ऐसी अनेक प्रतिपत्तियाँ होने से है ना, संशय होने पर क्या हुआ, आगे विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।